गुल्ली बुल्ली और सॉन लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। गुल्ली गाड़ी चला रहा था और गुल्ली गाना सुन रहा था और पीछे सॉन मजे से सो रहा था। तभी कुछ देर बाद उनकी गाड़ी जैसे ही जंगल के रास्ते होते हुए जा रही थी कि अचानक से गुल्ली के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और गलती से गुल्ली से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पासी में जाकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई और गाड़ी लहराते हुए जाकर एक पेड़ से टकरा गई। जिसके कारण गुल्ली होश में आया और सॉन भी नींद से जाग गया। जिसके बाद फिर गुल्ली ने गुल्ली से पूछा, क्या हुआ, अचानक तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली ने जवाब दिया, मुझसे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तभी सॉन पूछता है, एक्सीडेंट? अरे किसका एक्सीडेंट कर दिया तुमने? जिस पे गुल्ली जवाब देता है, वो वहाँ सामने उसकी लाश पड़ी है। और गुल्ली जैसे ही सामने देखता है तो उसे अपने सामने कुछ नजर नहीं आता है और रोड एकदम खाली था। गुल्ली गुल्ली को बोलता है, तुम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हो इसलिए शायद तुम्हारा वहम है, रोड पर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली ये देखकर चौंक जाता है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए गुल्ली बुल्ली और सॉन फिर से अपने लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सॉन को भूख लगती है और सॉन कहता है, अगर कहीं होटल दिखे तो गाड़ी को रोक देना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मैं तब से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा हूँ। और फिर गुल्ली बोलता है, इतने रात में इस जंगल में भला कहीं होटल मिलेगा क्या? गुल्ली बोलता है, वो सामने देखो, पास में एक होटल खुला हुआ है, उसकी लाइट जल रही है। सॉन बोलता है, चलो अंदर चलते हैं, कुछ तो खाने को मिलेगा। बाहर से देखने से लग रहा था कि ये होटल खुला हुआ है क्योंकि इसकी लाइट अभी भी जल रही थी। और अंदर जाने पर एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है जिससे सॉन पूछता है, भैया यहाँ खाने में क्या मिलेगा? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलता है, यहाँ सिर्फ आपको वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा। जिस पर गुल्ली बोलता है, अच्छा उससे पहले ये बताइए कि वॉशरूम कहाँ है? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बोलता है, वॉशरूम तो नहीं है लेकिन इस होटल के पीछे ही एक जगह है, अगर आपको फ्रेश होना है तो आप वहाँ पर चले जाइए। ये बात सुनकर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर आकर गुल्ली बुल्ली और सॉन आपस में बात कर रहे होते हैं। सॉन गुल्ली से बोलता है, गुल्ली हम दोनों हल्के होने जा रहे हैं, क्या तुम भी हम लोगों के साथ चलोगे? जिस पर गुल्ली कहता है, नहीं यार मैं गाड़ी चलाकर थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है, तुम दोनों जाओ मैं यहीं पर बैठता हूँ। फिर वो दोनों होटल के पीछे चले जाते हैं। और गुल्ली जाकर होटल के सामने जो सीढ़ी है उस पर बैठ जाता है। और कुछ देर बैठने के बाद गुल्ली अपने सामने कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अपने सामने उसी इंसान को देखा है जिसे कुछ देर पहले गुल्ली ने अपने गाड़ी से ठोक दिया था और जिसे सब जेफ द किलर के नाम से जानते हैं। गुल्ली उसे देखकर काफी डर जाता है और खड़ा हो जाता है और वो पूछता है,
तुम तो वही हो ना जिसका मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो चुका था, पर तुम यहाँ कैसे आए? तुम हो कौन? क्या चाहते हो तुम? क्या तुम मर चुके हो या फिर तुम जिंदा हो? तभी वहां पर बुल्ली दौड़ते हुए आता है। गुल्ली 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 जल्दी से चलो वरना वो लोग सोन को मार डालेंगे। यहाँ पर गुल्ली अलग ही दुनिया में है। वो बोलता है, अरे ये देखो, ये वही आदमी है जिसका कुछ देर पहले मेरे हाथों एक्सीडेंट हो गया था। जिस पर गुल्ली बोलता है, गुल्ली पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इन सब बकवास के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तुम जल्दी से चलो वरना वो लोग सोन को मार डालेंगे। और फिर गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे बुल्ली के पीछे पीछे चल देता है। वहां जाकर गुल्ली देखता है कि जिस आदमी को उसने बाहर देखा था वही आदमी सोन के ऊपर बैठा हुआ है। और चाकू से उसका गला काट रहा है। गुल्ली उसे रोकता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो हमने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस स्टोरी का पार्ट 2 जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।